बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सालार खान यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है इनिशियली तो मैं नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन फिर मेरी नज़र से कुछ एक दो तीन इस तरह के क्वेश्चंस गुजरे जो इसमें शायद ये वीडियो आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सके। तो टाइटल तो आपने ऑलरेडी देख लिया जी, जिसमें हम कुछ यूनिट्स डिस्कस करेंगे और उनकी इंटर कन्वर्जेंस। तो मैं इधर हेडिंग दे रहा हूँ जी, यूनिट इंटर कन्वर्जेंस की। फॉर इंस्टेंस आप सब इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं, यूनिट इंटर कन्वर्जेंस। अच्छा, तो सबसे पहले अगर मैं लेंथ के कुछ यूनिट्स की बात करूं, लेंथ तो मेरे पास ये इधर लिखे हुए जी, इधर से मैं डायरेक्टली लिखूंगा और आपको समझाता जाऊंगा। वन इंच, इंच आप यूज करते हैं कि नहीं, 2.54 सेंटीमीटर के बराबर है जी। वन इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, समझ आई। सिमिलरली आप सेंटीमीटर को उल्टा करके इंच में भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर कितने इंचेस होंगे जी, 0.3937, ये एग्जैक्ट वैल्यू है 0.3937, आप इसको 0.4 इंच याद रखें, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। 1 मीटर इज इक्वल टू 3.281 फीट, और सिमिलरली उल्टा करके 1 फुट इज इक्वल टू, तो 1 को डिवाइड करेंगे 3.281 पर, क्या दे जी 0.3047, राउंडिंग ऑफ के रूल्स आपको आता है, 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करें, 0.3 मीटर, ठीक है जी। अच्छा, यार्ड होता है 3 फीट, 1 यार्ड इज इक्वल टू हाउ मेनी फीट, 3 फीट, जिसका मतलब कि अगर 1 फुट की आप बात करेंगे तो 1/3 यार्ड होगा, सो 0.3 यार्ड होगा, 0.33333 जाते जाए। और अगर मीटर में आपको चाहिए तो 0.9144 मीटर होगा। 1 यार्ड इज इक्वल टू 0.9144, इसी तरह है कि नहीं है, यस इसी तरह है, 0.9 चले लिख ले, 0.9 मीटर लिख के बस। सिमिलरली मीटर को आप यार्ड में भी लिख सकते हैं, 1/ दिस। 1 माइल टू किलोमीटर, ये अब जरूरी है, 1 माइल इज इक्वल टू 1609 मीटर्स, 1 माइल इज इक्वल टू 1609 मीटर या फिर 1.609 किलोमीटर। सिमिलरली इधर से आप लिख सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1609 माइल, डिवाइड करके अपने लिए लिख लीजिए। माइक्रोन एंगस्ट्रॉम और लाइट ईयर में आपको ऑलरेडी बता चुका था, 1 माइक्रॉन क्या होता है जी, 1 माइक्रॉन इज इक्वल टू 10^-6 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम is equal to 10^-10 meter, or 1 light year is equal to how much? Light year is equal to 9.5 × 10^15 meters. Light year is the distance traveled by light in vacuum in 1 year. इसको वैल्यू का प्रूफ कर सकते हैं जी, v इज इक्वल टू s बाय t से ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, s इज इक्वल टू v इंटू t, v आपको स्पीड ऑफ लाइट 3×10^8 पता है, और टाइम 1 साल में कितने सेकंड्स होते हैं, तो 365.25, फिर ये डेज हो गए, फिर एक डे में 24 आवर, फिर 1 आवर में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, इस सब को मल्टीप्लाई करें आपके पास ये आ जाएगा। ये 0.25 मैंने क्यों लिखा, तो हर 4 साल बाद आप फरवरी में 29 डेज आती है जी, इसको लीप ईयर कहते हैं, तो वो 0.25 हर साल मैं इधर ऐड कर रहा हूँ। मास के यूनिट्स लिखे, स्लग होता है जी मास का यूनिट, मास का यूनिट होता है जी 1 स्लग, स्लग टू केजी लिख के कितना होता है जी 14.5939 केजी होता है, और इसको आप लिख के 14.6 केजी आप याद रखें, ये एग्जैक्ट वैल्यू है वो आप याद रखें। तो 1 केजी कितना होगा जी,
1 kg कितना होगा, डिवाइड करेंगे इस पर, इसका मतलब होगा कि 1 kg would be equal to 1 divided by 14.6 करेंगे, 0.07 slug approximately. एग्जैक्ट बहुत लंबी है यार, मैं नहीं लिखी. स्लग जो है FPS सिस्टम में मास का स्टैंडर्ड है, FPS सिस्टम. नेक्स्ट लिख के जी, 1 pound मास इज 0.4536592. 1 pound इज 0.4536592 kg, और इसको याद रखे 0.45 तक, 0.45 kg. इसका मतलब kg को आप पाउंड में लिख सकते हैं. 1 kg is how many pound? 1 upon 0.45, और मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा 2.2 pound. समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, amu आपका एटॉमिक मास यूनिट होता है जी, amu. वो तो आपको मुझसे बेहतर पता होगा. 1 amu एटॉमिक मास यूनिट 1.6 × 10⁻²⁷ kg. अब kg को amu में कन्वर्ट करना की जरूरत नहीं है जी, सही है. अच्छा, फिर होते जी कुछ फोर्स के यूनिट्स आते हैं, फोर्स के चले यूनिट जल्दी जल्दी लिखते हैं. फोर्स 1 न्यूटन कितना होता है जी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है कि नहीं होता? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू एम ए से. ठीक होगा जी. और जब आप बात करते हैं सीजीएस सिस्टम में डाइन की, सीजीएस सिस्टम में 1 डाइन होता है, तो डाइन होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इसका मतलब अगर मैं इसको बनाऊं इस तरह से, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू, देखे किलो की जगह 10⁻³ ग्राम आ गया, मीटर को मैंने सेंटीमीटर बनाना है, तो 10⁻²² और 10⁻². ठीक हो गया जी, सेंटीमीटर बन जाएगा ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इस तरह मैं कर सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल कर सकता हूँ. तो इसका मतलब 10⁻³ ग्राम माइनस 2 जो है सेंटी हो जाएगा, 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसका मतलब 10⁻¹ न्यूटन जो है वो है 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं कि 1 न्यूटन जो है दैट इज 10⁵ डाइन्स, और या फिर 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन. ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया. सिमिलरली 1 पाउंड फोर्स होता है, जो कि होता है 4.45 न्यूटन. 1 पाउंड फोर्स इज 4.45 न्यूटन, और पाउंड के लिए आप lb इस्तेमाल करते हैं, ल्यूब्स है कि पता नहीं क्या है. सिमिलरली 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 upon 4.45 करें तो क्या आता है, 0.224809 आता है, 0.22 तक याद रखें, 0.22 पाउंड्स. ये फोर्स के यूनिट्स आ गए. एनर्जी के यूनिट्स चले करते हैं, किधर लिख के जी, चले यहीं पे लिख लेते हैं एनर्जी. एनर्जी क्या होता है जी, एनर्जी 1 जाउल होता है इज 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. ये तो हम डायमेंशनल एनालिसिस में सीख चुके हैं ना, बिल्कुल. अर्ग होता है सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस में होता है 1 अर्ग, तो दैट वुड बी 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. तो इसका मतलब अगर मैं जाउल को लिखूं उसी तरीके से, 1 जाउल, सो दिस वुड बी 10⁻³ ग्राम, और फिर मीटर स्क्वायर है तो मुझे 10⁴ चाहिए, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. तो 10⁻⁴ जो है सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, और 10⁴ बाहर रह जाएगा. इसका मतलब है कि 1 जाउल इज इक्वल टू 10⁷ कितना ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जिसका मतलब 1 जाउल इज 10⁷ अर्ग्स, या 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁷ जाउल.
समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है जी। एक और यूनिट होता है जी कैलोरी। वन कैलोरी इज 4.184 जाउल। वन कैलोरी इस 4.184, मैं इसको 4.2 जाउल लिखता हूं। सिमिलरली आप लिख सकते हैं 1 जाउल 0.24 कैलोरीज हो जाएगा जी, 0.24 कैलोरीज। ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। वन ब्रिटिश थर्मल यूनिट ये कितना होता है? 252 कैलोरीज। और अगर इसको आपको चाहिए इज इक्वल टू जाउल में चाहिए, तो 252 को मल्टीप्लाई करें 4.2 के साथ, तो वन ब्रिटिश थर्मल यूनिट आ जाएगा 1058 जाउल। ठीक हो गया जी? बिल्कुल ठीक। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, वन बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट यह सबसे इंपॉर्टेंट है, होता है 1 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर इसका मतलब है ये एनर्जी का यूनिट है। दिस एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। तो 1 किलोवाट की पावर यानी 1000 वाट की पावर फॉर 1 आवर, जिसका मतलब है 60 into 60 के लिए अगर चला तो ये 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट। यानी फॉर एग्जांपल ये 3600 आ जाएगा, 3600 और फिर ये 1000, 1 2 3, तो इसको मैं लिख सकता हूं जी 3.6 into 10 to the power 6 जाउल। ठीक हो गया जी? बिल्कुल। सिमिलरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी का यूनिट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10 to the power -19 जाउल। -19 जाउल। समझ आ रही है जी? बिल्कुल आ रही। ये जो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी। ये आपके जो बिजली का बिल आता है जी, ये इसके ऊपर आता है। जो मीटर आपका यूनिट कहते हैं यूनिट, वो ये होता है जी, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 किलोवाट का लोड आप 1 घंटे के लिए लगाएं। यानी 1 किलोवाट आपकी फॉर इंस्टेंस इस्त्री है, तो इस्त्री अगर आप 1 घंटे के लिए चलाते हैं तो आपका बिल जो है मीटर जो है वो 1 यूनिट घूमता है, विच इज 3.6 into 10 to the power 6 जाउल। अच्छा, टेम्परेचर के मैं कुछ यूनिट्स यहां पे लिखता हूं। टेम्परेचर के यूनिट्स तो सेंटीग्रेड, फारेनहाइट और केल्विन है। तो चले पहले लिखे सेंटीग्रेड टू केल्विन। अगर आप करते हैं तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये सेंटीग्रेड टू केल्विन हुआ। फिर फारेनहाइट टू केल्विन करेंगे तो 5.9 फारेनहाइट प्लस 459.62 ये आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, मुझसे बेहतर आपको आते होंगे जी। और तीसरा जो है तो वो किधर है जी? नहीं, तीसरा तो नहीं है ना, बस ठीक है। सेंटीग्रेड से केल्विन, फारेनहाइट से केल्विन। अब देखिए केल्विन से सेंटीग्रेड में जाएंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड वुड बी डिग्री केल्विन माइनस 273। और सिमिलरली केल्विन से फारेनहाइट में जाएंगे तो देखिए, नहीं डिग्री सेंटीग्रेड, फारेनहाइट से सेंटीग्रेड में, तो वो होगा जी F-32 into 5 by 9। ठीक हो गया जी? बिल्कुल ठीक। और फाइनली जो आपका डिग्री फारेनहाइट है, तो सेंटीग्रेड से आप फारेनहाइट में आए तो क्या होता है? 9 by 5 into centigrade, 9 by 5 into degree centigrade plus 32। और सिमिलरली केल्विन से जब आप आते हैं तो वो होता है जी 1.8, जो कि मेरे ख्याल में यही 5 by 9 या 1 by 9 है, K minus 273 और plus 32। तो ये जो है केल्विन हुआ, केल्विन से सेंटीग्रेड, फारेनहाइट से केल्विन, सेंटीग्रेड। सिमिलरली ये हुआ सेंटीग्रेड, केल्विन से सेंटीग्रेड, फारेनहाइट से सेंटीग्रेड, और सेंटीग्रेड से फारेनहाइट और केल्विन से फारेनहाइट, ये हुआ। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ये मैंने इधर सिर्फ लिखा ही, कि आपकी तरफ मैंने देखा ही नहीं जी, आई कांटेक्ट हमारा था ही नहीं इस वीडियो में। क्यों? क्योंकि उसमें जरूरत ही नहीं थी जी समझाने की। ये कुछ जो है मैथमेटिकल चीजें थी जो सिर्फ लिखनी थी हमें, और वो हम लिख चुके हैं जी। तो
शायद ही आपको कभी जिंदगी में काम आ जाए, एंट्री टेस्ट में शायद आपके काम आ जाए, थोड़ी बहुत इसकी स्टडी आपके लिए रखना जरूरी है। ये जो टेम्परेचर वाले हैं, ये जरा आप डबल चेक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर कोई गलती है, ठीक है। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो आपको मुझसे बेहतर आती होंगी। हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रस्पेक्टिव से हमारा जो सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ता है वो इससे पड़ता है जी, ये हमारा सबसे पसंदीदा होता है जी, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जो किलोवाट आवर है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी इस्तेमाल होता है, ये बेसिकली हीट कैलकुलेशंस के लिए, कैलोरी और जा कैलोरी और ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो होते हैं ये बेसिकली हीट के लिए इस्तेमाल होते हैं। एनर्जी मोस्टली हीट ही ज़्यादातर होती है। चले एनीवेज, चैप्टर नंबर 1 के साथ हमारा काम यहाँ पे मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है जी। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि फैक्टर्स है, बहुत इंटरेस्टिंग। अगेन मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।